जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ मैं लंच में आलू का भरता। जिस दिन आपको कुछ समझ ना आ रही हो कि आज हम सब्ज़ी में क्या बनाएं, तो आप उस दिन आलू का भरता बना लीजिए। ठीक है, चलें आइए शुरू करते हैं और अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं, जो कि मैंने इनको वेट तो नहीं किया, बट मुझे ये 1 किलो से ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, इनको मैंने उबाल लिया है और मैंने इनको छील के रख लिया है। और अब ये देखिए, ये ऑयल जो है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है और ये तमाम जो उबले हुए आलू हैं, इनको मैंने इस ऑयल में फ्राई होने के लिए रख दिया है। ये अभी मैं साथ चिकन भी बना रही हूँ, तो ये मैंने प्याज फ्राई किए थे, तो उसका ऑयल है जो कि अभी गर्म था, उसी में मैं ये आलू फ्राई कर रही हूँ। इन आलूओं को हमने कम से कम 10 मिनट तक फ्राई करना है, 5 मिनट एक साइड से और 5 मिनट दूसरी साइड से। चलें जनाब, ये देखिए 5 मिनट के करीब वक्त हो चुका है और ये मैं इसकी अब साइड चेंज कर रही हूँ। ये हल्के हल्के बहुत प्यारे से गोल्डन हो जाएंगे और ये जो ज़ीरा है ना, ये फ्राई होकर इनके साथ चिपक जाएगा, जो कि बहुत मज़े का लगता है। ठीक है जनाब, ये हो गए हैं हमारे आलू तैयार। अब मैं आलूओं को इस ऑयल से निकाल रही हूँ। ठीक है जी, ये आलू निकल रहे हैं और बहुत मज़े की और बड़ी सिंपल सी डिश है और 30 मिनट्स में तैयार हो जाती है सिर्फ ये। ये देखें जी, गरम गरम आलू को ही अगर आप मैश कर लेंगी ना, तो वो ज़्यादा आसानी के साथ मैश होंगे। और हमने इसको बिल्कुल एक फ़ाइन पेस्ट नहीं इसका बनाना, बल्कि हमने इसमें थोड़े थोड़े मोटे मोटे आलू छोड़ने हैं, चंक्स आलूओं के इसमें होने चाहिए। ठीक है, ये देखें जी, हो गए हमारे आलू प्रिपेयर। अब हम नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं अपनी रेसिपी का। इसमें हमने मसाला तैयार करना है। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने 1 कप ऑयल में डालकर इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। ये देखिए, प्याज मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 खाने का चम्मच भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको चंद सेकंड मैंने फ्राई किया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसमें 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, ये उनकी प्योरी है, वो मैंने ऐड कर दी। अगर आप चाहें तो बारीक बारीक टमाटर काट कर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखें जनाब, ये जल्दी से भुन गया है मसाला मेरा, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपने ड्राई स्पाइसेस। ये देखिए, इसमें सबसे पहले नमक गया है 1 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच ही इसमें मैंने ऐड की है सुर्ख मिर्च, और 1/2 चाय का चम्मच इसमें जा रहा है हल्दी का, और 1 चाय का चम्मच भर कर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ धनिया, और 1/2 चाय का चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ कलौंजी, और जनाब ये जा रहा है इसमें गरम मसाला। ठीक है, ये जनाब ये तमाम मैंने इसमें मसाले डाल दिए, और अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप 1/2 घूंट इसमें पानी का शामिल कर सकते हैं। ये देखिए जनाब, हमारा मसाला जो है ना, ये भुन रहा है इस वक्त, और तकरीबन ये तैयार है। देखिए, जो घी है वो मसाले से अलग हो चुका है। ठीक है जी, अब हम इस स्टेज पर हमने इसमें पानी ऐड करना है। इसमें मैं 2 गिलास जो है ना, वो पानी के ऐड करूँगी। ये देखिए जनाब, मैंने 1 गिलास तो इसमें ऐड कर दिया, और ये जनाब अब 2 गिलास मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये इसमें मैंने 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए, और इसके बाद मैं वो जो आलू मैंने मैश कर कर रखे हैं, उनको मैं इस शोरबे में शामिल कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से बहुत सिंपल रेसिपी है ये, बहुत झटपट तैयार होती है। आप एक चूल्हे पर मसाला बनाना शुरू हो जाएं और दूसरे चूल्हे पर आलू उबलने के लिए रख दें, तो आप यकीन करें कि 30 मिनट्स भी नहीं लगते तो ये डिश जो है वो तैयार हो जाती है, बहुत मज़े की लगती है। और अब आखिर में हमने इसमें ऐड की है 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, और इसको कवर कर दिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये देखें जनाब, 10 मिनट हो चुके हैं और अब इसकी ये शक्ल बनी है। तमाम जो मसाले हैं वो आलूओं के साथ मिक्स हो गए हैं और ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अगर आप इसको और ठीक करना चाहते हैं ना, तो आप इसको 5 मिनट के लिए और पका लें। अब हमारा ये जो है ना, आलू का भरता तैयार है। ये देखिए, डिश आउट कर दिया है मैंने इसको। बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसको उबले हुए चावलों के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ बहुत मज़े की लगती है, पराठे के साथ, पूरी के साथ, आप जिस चीज़ के साथ भी इसको खाएंगे ना, ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, मैंने इसको गार्निश कर दिया है सब्ज़ मिर्चों के साथ, धनिया के साथ और अदरक के साथ।
अगर ये झटपट आसान और मज़ेदार रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।